बिहार के पूर्व राष्ट्रीय और राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को डोरंडा कोषागार से जुड़े चारक घोटाले के पांचवें और आखिरी मामले में 5 साल की सजा सुनाई गई है। रांची की स्पेशल सीबीआई कोर्ट के जज एस के शशि ने यह फैसला सुनाया। लालू यादव पर 60 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। यह मामला डोरंडा कोषागार से 139.5 करोड़ रुपए की अवैध निकासी का है। सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने लालू यादव सहित 75 आरोपियों को 15 फरवरी को दोषी करार दिया था और 24 को रिहा कर दिया गया। इनमें से 36 को 3-3 साल की सजा मुकर्रर की जा चुकी है। हम आपको बताते हैं क्या है चारा घोटाला। 950 करोड़ रुपए का चारा घोटाला अविभाजित बिहार के विभिन्न जिलों में सरकारी खजाने से धोखाधड़ी करके सार्वजनिक धन की निकासी से संबंधित है। चारा घोटाला जनवरी 1996 में पशुपालन विभाग में छापेमारी के बाद सामने आया था। सीबीआई ने जून 1997 में लालू यादव को एक आरोपी के रूप में नामित किया था। सीबीआई ने लालू यादव और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा के खिलाफ आरोप तय किए। सोमवार को सुनाई गई सजा से पहले 74 वर्षीय लालू यादव को इससे पहले भी इसी घोटाले के 4 अन्य मामलों में सजा मिल चुकी है। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.